कसरत है, ये लोक नीति और सीएसडीएस की दिक्कत नहीं है। ये जितने सरकार आधारित संस्थान हैं, लगभग सरकार आधारित, जिनकी जीविका का या सस्टेनेंस का जो आधार है वो गवर्नमेंट फंडिंग है या मिनिस्ट्रीज हैं, वो या इवन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय इस पोजीशन में नहीं है कि कोई क्लियर पिक्चर दे सके जनता को, और बड़ा एक सॉफ्ट पेडलिंग के जरिए या एक तरह के इनोसेंस के साथ जो सर्वे पेश हो रहे हैं, जैसे कल शास्त्री जी कर रहे थे, मैं सुन रहा था आपका, मुझे लगता है कि यार इट इज मिसलीडिंग, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं इसमें कैवियट लगा रहा हूँ कि भाई हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं पढ़ने में समझने में गलती हुई है मुझे। आखिरी पॉइंट मैं कह रहा हूँ आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अमेरिका के 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स इन अमेरिका, उसमें से 330 स्टेट्स जो हैं वो ट्रंप की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी का डोमिनेंस है उन 30 जगह, और डेमोक्रेट्स का सिर्फ 20 राज्यों में है। मतलब जो मतलब उसको ऐसे समझ लें कि मोदी जी वहां अमेरिका के 30 राज्यों में हैं, क्योंकि जो मोदी जी कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, तो ट्रंप ने अभी नया नारा दिया है कि ईसाई धर्म खतरे में है, तो क्रिश्चियनिटी इज अंडर अटैक, जो लेटेस्ट उनका ट्रंप का कल परसों जो मैं पढ़ रहा था। जी जी, तो ट्रंप और मोदी जी एक ही तरफ हैं, एक ही पलड़े में हैं, और दोनों की लड़ाई एक ही सवर्णवाद हिंदुत्व के लिए है, गोरों के लिए है, पूंजीपतियों के लिए। तो नहीं, मैं दूसरी चीज कर, 30 स्टेट्स में रिपब्लिकन ट्रंप की पार्टी वहां भारी है और केवल 20 में डेमोक्रेट्स हैं, और बाइडेन की पर्सनलिटी कहीं नहीं लगती है ट्रंप के आगे। बाइडेन ने हरा दिया पिछले चुनाव में, और ओबामा ने हरा दिया उसके एक चुनाव छोड़कर जी, और इस बार भी जो भ्रष्टाचार के और तमाम चीजों के आरोप हैं, जिसमें ट्रंप गले गले तक उलझे हुए हैं कई तरह के मामलों में, ये मामला ये नहीं है कि राहुल कमजोर हैं और मोदी जी ताकतवर हैं। ये आपको सर्वेज में प्लीज ब्रिंग इन समथिंग क्रेडिटेबल, जो जिसको लोग यकीन करें कि आपने ये सर्वे जो कर रहे हैं वो या तो बीजेपी वर्सेस एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस कीजिए, और या आप मानते हैं कि एनडीए ही मोदी हैं, मोदी ही बीजेपी हैं, तो मेक इट मोदी वर्सेस इंडिया अलायंस, क्योंकि राहुल इज नॉट इन द पिक्चर। ठीक है, राहुल को पिक्चर में लाके आप डिमोरलाइज जो करना चाहते हैं, पूरे अपोजिशन को डिस्काउंट करना, वो करना चाहते हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। ये मेरा कहना। जी जी बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।